आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिंक बर्ड पे स्प्रे करने के लिए बोला था 1261 नामक एक नाइट्रेट फास्फोरस डालने की बात करी थी। आजकल मुझ पे उल्टा प्रेशर आ रहा है कंपनीज का और डॉक्टर्स का या शॉपकीपर्स का, कुछ लोग तो मुझे गालियां भी दे रहे हैं शॉपकीपर्स वगैरह और कंपनीज वगैरह के हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। अब उसकी जिम्मेवारी डिंपल पांचटिया की नहीं है कि भाई आपके प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे। मैं एक किसान हूं, मैं अपने लेवल की रिसर्च खुद करता हूं और जिसके बेहतर रिजल्ट आते हैं मैं वो लोगों के सामने रखता हूं। आज मार्केट में 1261 मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो चपाल की बात करो, कुल्लू के एरिया की, या पूरे हमारे जुब्बलकोट है ना, मिल ही नहीं रहा है, बहुत ही रेयर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बजट में था और काफी सस्ता आता था, दूसरी कंपनीज की उससे ही मिलते जुलते प्रोडक्ट कहीं 300, 400 या 600, 700, 800 रुपए का ड्रम बैठ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बागवान का पैसा भी बचे। यहाँ अब एक और बात आती है कि अगर आपके पास 1261 अवेलेबल नहीं तो आप किस टाइप में क्या चीज डाल सकते हैं। आप यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 किलो तक आप पिंक बर्ड पे स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 1919 टाइप में किसी भी कंपनी का है, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है डालने का। मगर आप 1261 ही को पकड़ के ना चले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी 1336, 1154 मतलब नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस यानी कि सुपर दे रही है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 1261 ही अगर नहीं मिल रहा तो आप डालेंगे ही नहीं, आप कोई और भी डाल सकते हैं, मगर नाइट्रेट और फास्फोरस पर ज्यादा फोकस करें। साथ ही आप जिंक और बोरोन भी ऐड कर सकते हैं अपने पिंक बर्ड पे। तो इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सारे बागवान सोच रहे, सेब का लगना। मैंने पहले भी कहा था पॉलिनेशन, पॉलिनेटर और पॉलिनाइजर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ज्ञान होना चाहिए। पॉलिनेशन हो गया, एक जो आपका ये फ्लावर बड है इस पे पॉलिनेशन का जब केसर मेल और फीमेल मिलेगी तो वो पॉलिनेशन का एक रूप है जो प्रकृति का नियम है। उसके बाद आते पॉलिनेटर, पॉलिनेटर यानी कि मधुमक्खियां तितलियां। मेरा बागवान भाइयों से आग्रह रहेगा हाथ जोड़ के और शॉपकीपर से और कंपनी मैन से, सिर्फ अपनी कंपनी और दुकान की चांदी के चक्कर में इंसेक्टिसाइड को बेचना प्लीज फिलहाल इस स्टेज पर बंद करें। हाथ जोड़ के मेरी विनती है इन लोगों से, इसको अपना ईगो मत लीजिए कि ईगोस्टिक हो जाए आप कि मेरे लिए भला बुरा बोलने लगे, सोच बुरी रखे। वैसे मुझे इससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यहां पर 100% बंद हो। क्यों? क्योंकि हमारी तितलियां मधुमक्खियां सारी डेड करा दी है। लोगों के दिमाग में एक चीज घुसी है कि इंसेक्टिसाइड से कितने कीड़े लगेंगे। मेरे बगीचे में भी कुछ फ्लावर खाए जा रहे हैं, तो उसका ले ये मतलब नहीं कि हम एक उसके पीछे बंदूक लेके ही पड़ जाए। उसका मतलब इंसेक्टिसाइड ही करना नहीं हो सकता उसका निवारण। आप लोग सब रखे, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे बीमे होते हैं बगीचे में, थोड़ा बहुत अगर लग भी गया तो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इंसेक्टिसाइड यहां पर फिलहाल आप बंद कर दे, मत डाले। फिर आप ढूंढेंगे, देखिए हमारा सिस्टम क्या है, पहले हम इन मधुमक्खियों और तितलियों को मारेंगे, उसके बाद हम बक्से के रूप में खरीदने जाएंगे फिर से मधुमक्खियों वालों के पास। क्यों? मत जाए, अपनी लोकल मक्खियों की जरूरत है, पॉलिनेटर लगाए अपने बगीचों में, जरूर मधुमक्खियां लगाए और सबको लगाने चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो सेब है हमारा वो क्रॉस पॉलिनेशन से ही लगता है। जब तक सामने मेरे ग्रैनी स्मिथ लगाए, यहाँ पर मेरे स्कारलेट 2 का पौधा है, अगर इसको एक्सचेंज करने वाला कोई माध्यम नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो प्लीज आप मधुमक्खियां, मैं ये नहीं बोलूंगा 10 डब्बे लगाओ, दो, सब लोग मिलके एक दो दो जरूर लगाए। और बहुत सारे बागवान क्या करते हैं कि मधुमक्खियों के बक्से बगीचों में लगा के स्प्रे कर देते हैं, जिससे बेचारा मधुमक्खी पालन मधु पालन वाले क्या नुकसान भी होता है, मधुमक्खियां भी मरते, उसका डब्बा मर जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करे, हम भी नहीं करते। अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम इंसेक्टिसाइड करते हैं इस स्टेज पे, तो बिल्कुल नहीं करते। इवन जो हमारे थ्रिप्स है, जिसको आप थ्रिप्स बोलते हैं, मैं तो थ्रिप्स की स्प्रे भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसका इतना बड़ा रोल होगा। अगर वो डैमेज भी करता होना
करता हूँ ना तो मुझे उसका फर्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस क्रॉप है हर साल। मुझे तो उल्टी टेंशन है कि मेरे सेब कम कैसे लगे, मुझे सेब लगने की टेंशन नहीं है। हाँ, फ्लावर कम आए उसकी अलग, बिल्कुल 12-61 के साथ आप जिंक और बोरोन भी डाल सकते हैं। अगर आप लेट है, क्योंकि इस साल थोड़ा अनइवन चल रहा है, एक दम आ रही है, तो आप उसके साथ भी डाल सकते हैं, मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं, पूरा नहीं भिगोए आप। तो ये तो थी मधुमक्खियों के बाद। प्लीज इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें मेरे बागवान भाइयों, मत अपना पैसा बचाइए और वहां अपना पैसा लगाइए जहां उसकी जरूरत है, हर कहीं मत अपना पैसा वेस्ट कीजिए। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि मेरा बागवान गलती कहाँ कर रहा है, और एक क्वेश्चन आ रहा है मुझ पे कि सूखा पड़ गया। बागवान भाइयों, जितना अच्छा मौसम इस साल चला है आप टेंशन ना ले, इतना बढ़िया मौसम बहुत सालों के बाद 2010 के बाद पहली बार मैंने देखा। मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ आज थोड़े से बादल दिए गए थे, येलो अलर्ट भी दिया गया था कल और आज का, मगर वैसे लग नहीं रहा मुझे बारिश के। कभी भी ऐसी स्टेज पे बारिश नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया टेम्परेचर। हाँ, ये जरूर है कि गर्मी थोड़ी जल्दी आ चुकी है इस साल, थोड़ी जल्दी आई है, मतलब एक महीना पहले ज्यादा गर्मी पड़ गई, और लो हाइट में जो हमारे हाट कोटी परसारी के लेवल के जो रामपुर का निचला क्षेत्र है वहां की गर्मी थोड़ी ज्यादा है, मगर जहां में हम अभी खड़े हैं जो हमारा इलाका है यहां गर्मी भी बिल्कुल भी अभी ज्यादा नहीं है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है अभी। आप टेंशन ना ले, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, बहुत अच्छी क्रॉप की उम्मीद रख सकते हैं आप, बशर्ते जिनके बगीचों में पोलन की कमी है वो थैलियां लगा सकते हैं, गुल पानी में लिफाफे के अंदर डाल के आप इसके फूल आप थैलियों के माध्यम से लगा सकते हैं, और मधुमक्खियां अपने बगीचों में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाए, और इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने से बचे, पिंक स्टेज पर बढ़िया स्प्रे करें जिससे आपको दिक्कत ना आए, और फ्लावर में जाने, बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि फूल में जानी है, तो उसी लिए हमने रिकमेंड किया था 12-61 या आप उन्हीं ऑप्शन में, क्योंकि मिल नहीं रहा है, आप उन्हीं भी डाल सकते हैं, यूरिया भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें नहीं डाल सकते मतलब अलग से डाल सकते हैं, या आप यूरिया ही डालेंगे या आप उन्हीं ही डालेंगे, आप 12-61 डालेंगे, ऐसा ना करेंगे, दो तीन चीजें मिक्स कर दे आप, उससे डैमेज होगा। और फूल पे कोई स्प्रे ना करे, फूल पे सिर्फ PGR पड़ता है, बाकी सारा पिंक बर्ड से पहले पड़ता है, एक चीज का फिर से याद रखिए आप।